आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, है ना। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक दो बार आप जो वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा उसको रीड कीजिएगा, है ना। रीड करके समझना है आपको, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका एक्सरसाइज 3.5 में दिया हुआ है 960 पैकेट ऑफ स्वीट्स वेयर बॉट, है ना। बॉट मीन्स होता है खरीदा, है ना। बॉट मीन्स क्या होता है? खरीदा, है ना। तो 960 पैकेट्स द स्वीट्स वेयर बॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू चिल्ड्रन इन अ स्कूल, है ना जी। देखिए, स्कूल में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना जी, बांटने के लिए, स्कूल के बच्चों, छोटे जो बच्चे हैं उनको बांटने के लिए, है ना, 960 पैकेट्स क्या खरीदा गया है जी? स्वीट्स खरीदा गया है ना, मीठा खरीदा गया है। तो क्या बोल रहा है? 606 पैकेट वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना जी। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांट दिया गया है ना जी। कितना को बांट दिया गया है जी? 606 पैकेट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना जी। 606 पैकेट को बांट दिया गया बच्चों में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हाउ मैनी पैकेट्स वेयर लेफ्ट, है ना जी। हाउ मैनी पैकेट्स वेयर लेफ्ट, है ना। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कितने पैकेट्स बचे, है ना जी। तो जहां भी लेफ्ट लिखा होगा, है ना जी, लेफ्ट अगर लिखा होगा तो वहां पर क्या कर देना आप? माइनस करना है। क्या करना है जी? माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और जहां पर टोटल लिखा रहेगा वहां पर क्या करना है? टोटल लिखा रहेगा या ऑल टुगेदर लिखा रहेगा, है ना, तो वहां पर आपको प्लस का साइन देना है। क्या साइन देना है जी? प्लस का। टोटल बोलेगा या फिर ऑल टुगेदर बोलेगा तो प्लस का साइन देना है। जहां पर लेफ्ट बोलेगा वहां पर सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहां पर लेफ्ट बोल रहा है तो क्या करेंगे? ये जो 960 पैकेट है उसमें 606 को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो 960 पैकेट्स है उसको खरीदा गया है ना जी। 960 पैकेट्स को इसमें से कितना को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जी? कितना को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? दिया है 666 पैकेट को, है ना जी। इतना पैकेट्स बॉट किए थे, खरीदे थे 960, उसमें से 606 को क्या कर दिया गया? डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दिया गया है ना जी। 606 पैकेट्स वेयर पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ना। तो कितना पैकेट्स लेफ्ट होंगे? हाउ मैनी पैकेट्स वेयर लेफ्ट। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना पैकेट बच गया वो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि 0 इज लेस देन 6। यहां से अब दैट इज 1s कॉलम, 10s कॉलम, 100s कॉलम। तो यहां से रीग्रुप करना पड़ेगा, है ना जी। 6 10s से क्या हो जाएगा? ये 5 10s हो जाएगा। और 10 10s यहाँ पर क्या चला जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1s कॉलम में 10 10s, है ना। तो इस तरह से हम रीग्रुप करते हैं, ठीक है। तो 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 इक्वल टू कितना होगा जी? 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। पहले 6 था लेकिन रीग्रुप करने के बाद क्या हो गया जी? 5, है ना। अब 100s कॉलम में देखिए 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 इक्वल टू कितना होगा? 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। तो देखिए आंसर कितना आया? 354, है ना, 354। तो यहाँ लिखना है जी, ठीक है। क्या लिखना है? वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि हाउ मैनी पैकेट्स वेयर लेफ्ट, है ना जी। तो हाउ मैनी के जगह में क्या लिखेंगे? यहाँ जो हाउ मैनी लिखा है उसके जगह में ये आंसर को लिखेंगे, है ना जी। जो डिफरेंस आया है उसको लिखेंगे हाउ मैनी की जगह में। तो हाउ मैनी की जगह में क्या लिखेंगे? 354, 354 पैकेट्स, 354 पैकेट्स वेयर लेफ्ट। क्या लिखेंगे जी? 354 पैकेट्स वेयर लेफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। जहां भी लेफ्ट बोलेगा वहां पर क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऑल टुगेदर बोलेगा या फिर टोटल बोलेगा तो वहां पर क्या करना है जी? एडिशन, प्लस का साइन डालना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को सेंड करूंगा जिसे आप सभी को सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। थैंक यू।